अस्सलाम वालेकुम, आज आपके साथ बहुत मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी डोनट बर्गर की, जो बच्चे डोनट शौक से खाते हैं वो उसका बर्गर। अगर आप उसे बना करेंगे तो वो भी ट्राई करें, वो भी जरूर शौक से खाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले मैं डोनट बर्गर के लिए जो सॉस रेडी करेंगे, उस बर्गर की सॉस प्रिपरेशन के लिए मैंने 1.5 कप मायोनीज ली है, मस्टर्ड इसमें 1 टेबल स्पून, केचप 2 टेबल स्पून, लेमन जूस 2 टेबल स्पून एंड हॉट सॉस 1.5 टेबल स्पून, और इसमें चॉप किया हुआ खम्बर 3 टेबल स्पून, ऑनियन चॉप किए हुए 3 टेबल स्पून, आइसबर्ग 1/4 कप ऐड कर दिया और अच्छे से इसको मैं कर रही हूँ मिक्स। तो ये मेरी जी बर्गर की जो सॉस मैंने रेडी करनी थी वो रेडी हो चुकी है। तो अब मैं डो की तरफ आ रही हूँ। तो मैंने लिए हैं जी 1/3 कप दूध लिया है गर्म नॉर्मल, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड की है और साथ ही एक अंडा ऐड कर दिया है। तो अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून यीस्ट ऐड किया और वो उसको ऐड करने के बाद भी अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए। जैसे ही राइस होगी तो इसको हम कवर रिमूव कर देंगे। और एक बाउल में मैंने 3.5 कप मैदा लिया है, यानी कि 3.5 कप, और इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया और उसको अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद यीस्ट का जो मैंने किया था वो ऐड करूंगी और इसको मैं जो है वो मिक्स कर रही हूँ। जैसे ये डो की फॉर्म में आ चुका है तो मैं इसमें 3 टेबल स्पून बटर ऐड कर रही हूँ और उसको फिर मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह गूंद लूंगी। तो ये जी मैंने इसको गूंद लिया और उसके बाद इसको कवर कर दूंगी और इसको तब तक रेस्ट दूंगी जब तक कि डबल राइस नहीं हो जाती। तो अब ये मेरी डबल राइस हो चुकी है, इसको मैं इसमें से निकालूंगी और उसके बाद इसको मैं मजीद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह दोबारा से मैं गूंद लूंगी। उसके बाद मैं इसको 8 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दूंगी और हर एक पार्ट को मैं एक पेड़े की शेक बना के उसको साइड पर करूंगी। उसके बाद मैं हाथ की मदद से पहले इसको प्रेस कर रही हूँ, उसके बाद मैदे की इसके ऊपर मैं डस्टिंग नहीं करूंगी, इसको सेंटर से हम होल्ड करेंगे। तो इसी तरह बाकी सबको भी हम कर लेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे फ्राई करने से पहले। तो इसको मैं मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ ताकि जो है वो मेरा डोनट राइस भी हो जाए और अच्छी तरह गोल्डन भी हो जाए। तो एक साइड होने के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की और दोनों साइड इसके अच्छे से गोल्डन हो गई, तो मैं इन सबको बाहर निकाल लूंगी। इसके बाद मैं बर्गर पैटी लूंगी, आप किसी भी कंपनी की यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। तो जितने बर्गर बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप पैटीज ले लें। तो ऑयल मैंने पहले से गर्म कर लिया था और मीडियम लो फ्लेम के ऊपर जो है वो मैं 4 पैटीज जो है वो फ्राई कर लूंगी। जैसे ये लाइट गोल्डन होंगी मैं इन सबको अच्छे निकाल लूंगी टिश्यू पेपर के ऊपर ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू डिजोल्व कर ले। तो अब मैं फैमिली की तरफ आ रही हूँ। मैंने डोनट लिया और इसको मैं नाइफ की मदद से सेंटर में से कट कर लिया, इसके 2 पार्ट्स कर लिए और सॉस जो मैंने रेडी की थी मैं इसकी एक साइड पे पहले असेंबलिंग के लिए नीचे उसकी लेयर लगा रही हूँ, उसके ऊपर मैं इसके ऊपर सलाद का पत्ता रखूंगी, उसके ऊपर मैं इसके बाद बर्गर पैटी रखूंगी, चीज रखूंगी, टमाटर रखूंगी और ऑनियन के रिंग्स रखूंगी। तो अगर बच्चे वेजिटेबल्स लाइक करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप उनको बगैर भी दे सकते हैं। और मैं इसके दोनों पोर्शन के ऊपर मैंने सॉस रेडी करके ऐड कर दिया और देखें बहुत यूनिक और डिफरेंट स्टाइल, इसको जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोज कैसी लगती है। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले अपडेट आपको आसानी से मिल सके।